नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया खोलकर देखो तो ऐसा लगता है हर कोई बुढ़ा बनना चाह रहा हो। ये ओल्ड एज फिल्टर्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हर दूसरा इंसान इन्हें यूज करते हुए दिख रहा है। फेस ऐप वो ऐप है जिसने इन ओल्ड फिल्टर्स को पॉपुलर बनाया है, और फेस ऐप ऐप दोस्तों इतनी पॉपुलर हो गई है, नंबर वन पे ट्रेंड कर रही थी ऐप स्टोर के। लेकिन इस ऐप के बाद अगर कुछ इतना ट्रेंड कर रहा था तो वो ये चीज थी कि इस ऐप को यूज करने से आपका डेटा हैक हो जाएगा, आपके फोन में जितनी भी फोटोज हैं वो रशियंस के पास चली जाएंगी। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, आइए देखते हैं इस ऐप को यूज करना कितना सेफ है और कितना आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। फेस ऐप एक रशियन कंपनी के द्वारा बनाई गई ऐप है। ये मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती है आपके चेहरे पर एक ओल्ड एज फिल्टर लगाने के लिए। ये वही टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो स्नैपचैट फिल्टर्स, इंस्टाग्राम फिल्टर्स और डीप फेक्स में भी इस्तेमाल की जाती है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को मैंने डीप फेक्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करती है। आप इस वीडियो को जाकर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली आपको इसमें इनपुट देना पड़ता है एग्जिस्टिंग ओल्ड चेहरों का और यंग चेहरों का, ताकि ये पैटर्न्स को पहचान पाए एल्गोरिथम कि देखो ओल्ड चेहरे ऐसे दिखते हैं, यंग चेहरे ऐसे दिखते हैं। और जब बहुत सारा डेटा इनपुट किया जाएगा तो एक कॉमन चीजों को पहचान लेगा कि हर इंसान के यंग चेहरे में और ओल्ड चेहरे में ये पैटर्न्स दिखते हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स को ये अब एग्जिस्टिंग नई फोटोज पर लगाएगा और एक ओल्ड एज फिल्टर बन जाएगा उससे। जब आप इस ऐप से एक फोटो लेते हो तो ये ऐप आपकी फोटो को अपने सर्वर्स पर भेजती है, वहां पे अपना एल्गोरिथम लगाती है, फिल्टर लगाती है और फिर वापस आपके फोन पे भेजती है जब आप फिल्टर के साथ इसे देख पाते हो। अब फर्क ये है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट किसी सर्वर पे नहीं भेजते आपकी फोटो को, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आपके फोन पर लोकली एल्गोरिथम लगाते हैं और फिल्टर लगा लेते हैं। उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इस फेस ऐप को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है अगर आपको इस पे फिल्टर्स लगाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर इंस्टाग्राम स्नैपचैट के कंपैरिजन में। और ये क्यों किया जाता है, इसके लिए फेस ऐप का जो डेवलपर्स हैं उनका कहना है कि जो एल्गोरिथम ये यूज करते हैं, मशीन लर्निंग ये यूज करते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ही सोफेस्टिकेटेड एल्गोरिथम है तभी रियलिस्टिक लुकिंग चेहरा आपको दिख पाता है यहाँ पर। इसलिए ये कहते हैं किसी के नॉर्मल फोन में इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है सिवाय लेटेस्ट आईफोन्स और एंड्रॉइड के, कि वो प्रोसेसिंग ये फोन के अंदर ही की जा सके, इसलिए ये सर्वर्स पे भेजते हैं अपनी फोटोज को। अब कंट्रोवर्सी क्या हुई इस ऐप को लेकर, कि किसी ने ट्वीट किया कि ये ऐप आपके फोन में रखी सारी फोटोज को अपने सर्वर्स पर अपलोड कर देती है। तो एक तरह से आप इस ऐप को अगर यूज करते हो, एक बार भी अगर आपने इस ऐप को यूज कर लिया तो सारी फोटोज आपके फोन की उनके सर्वर्स में चली गई, अब रशियंस के पास चली गई, अब वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब रशिया था ये, इससे एक तरह से सिचुएशन और प्रॉब्लमेटिक बन गई, क्योंकि अमेरिकन और रशियंस के बीच में वैसे ही इंडिया पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है, वहां के लोग एक दूसरे के लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो क्योंकि रशियंस ने ऐप बनाई थी तो लोगों के मन में डर और भी ज्यादा फैल गया। दूसरा, इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी लोगों ने देखी तो लोग और भी डर गए, क्योंकि ये बहुत ही भयानक तरीके से लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि यू ग्रांट फेस ऐप परपेचुअल इररेवोकेबल नॉन एक्सक्लूसिव रॉयल्टी फ्री वर्ल्ड वाइड फुली पेड ट्रांसलेबल सब लाइसेंस लाइसेंस टू यूज रिप्रोड्यूस मॉडिफाइड ऐप पब्लिश ट्रांसलेट क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक परफॉर्म एंड डिस्प्ले यूजर कंटेंट एंड एनी नेम यूजर नेम और लाइकनेस प्रोवाइड इन कनेक्शन विद यूजर कंटेंट इन ऑल मीडिया फॉर्मेट्स एंड चैनल नाउ नोन और लेटर डेवलप्ड विदाउट कंपनसेशन टू यू। मतलब पढ़कर आपको लगेगा कि जितने भी तरीके हो सकते हैं आपकी फोटो को यूज करने के इन्होंने सब लिख डाले यहाँ पर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग और भी डर गए इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखकर, कि नहीं भैया तो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं, एक बार हमने फोटो अपलोड कर दी तो यहां पर। देखते हैं फेस ऐप को बनाने वाले लोगों ने, इसके डेवलपर्स ने इस पूरी कंट्रोवर्सी के रिस्पांस में क्या कहा। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ उसी फोटो को अपने सर्वर्स पर अपलोड करती है जिसपे आप फिल्टर लगाना चाहते हो, जिसको आप खुद चूज करते हो, ये सारी फोटोज के आपके फोन को अपलोड नहीं करती है। इन्होंने कहा अगर किसी को शक हो रहा है तो नेटवर्क स्निफिंग टूल्स का इस्तेमाल करके वो खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी फोटोज को अपलोड कर रही है, सिर्फ एक फोटो को अपलोड कर रही है। तो किसी ने चेक भी किया और कंफर्म किया कि सिर्फ एक ही फोटो को अपलोड करती है जिसको आप खुद अपलोड करना चाहें। और जिस इंसान ने वो ट्वीट किया था कि ये सारी फोटोज को अपलोड कर देती है, उसने अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। दूसरा, कंपनी ने कहा कि जो फोटोज को ये अपलोड करती भी है अपने सर्वर पे, उनमें से मोस्ट इमेजेस को ये 48 आवर्स के अंदर अंदर डिलीट भी कर देती है, यानी उन्हें स्टोर कर नहीं रखती है वहां पर। अब ये चेक करने का दोस्तों हमारे पास पर्सनली कोई तरीका नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप इनकी बात पर बिलीव करना चाहो या ना करना चाहो। तीसरा, इन्होंने कहा कि ऐप रशिया को कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करती है, भेजती नहीं है। हालांकि इस ऐप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट रशिया में बेस्ड है, ये ऐप यूएसए के सर्वर्स का इस्तेमाल करती है, अमेजॉन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करती है। इस ऐप के फाउंडर ने कहा है कि वी डोंट सेल और शेयर एनी यूजर डेटा विद एनी थर्ड पार्टीज।
इन्होंने ये भी कहा कि किसी इंसान के चेहरे को उसके नाम से और उसके डेटा से लिंक करना पॉसिबल नहीं है सिर्फ इस ऐप के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स इस ऐप के लॉगिन नहीं करते हैं इस ऐप पे। बिना लॉगिन के अगर कोई अपनी फोटोज अपलोड करेगा तो इस ऐप को उस आदमी का नाम नहीं पता चल पाएगा, तो नाम को चेहरे से लिंक नहीं किया जाना पॉसिबल है यहां पर। और फाइनली इस ऐप ने यह भी कहा कि अगर आप अपना सारा डेटा इस ऐप के सर्वर से रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट करके। इसका करने का प्रोसीजर इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐप के अंदर सेटिंग्स में जाइए, सपोर्ट में जाइए, वहां पे रिपोर्ट अ बग क्लिक कीजिए, और रिपोर्ट अ बग के लिए आप एक मैसेज भेजेंगे उन्हें, तो उसकी सब्जेक्ट लाइन में प्राइवेसी लिख के भेजिए और नीचे लिख दीजिए कि आपको अपना सारा डेटा डिलीट करवाना है, तो ये ऐप आपका सारा डेटा डिलीट कर देगी वहां पर। तो अब सवाल ये उठता है यहां पर दोस्तों कि क्या इस ऐप को यूज करना आपकी प्राइवेसी के लिए, आपके डेटा के लिए सेफ है? आपको क्या लगता है, जरा सोचकर देखिए थोड़ा। मैंने आपको दोनों साइड्स बताई हैं, आप खुद से सोच सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछोगे दोस्तों यहां पर, तो मेरी राय में इस ऐप को यूज करना उतना ही सेफ है जितनी बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करना है, कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। मेरी राय में मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसके खतरे को बहुत एग्जैजरेट कर रखा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रखा है। जो इस ऐप से प्राइवेसी को खतरा है उतना ही और उससे ज्यादा ही खतरा फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करने से है। इस ऐप के पास सिर्फ आपकी फोटोज हैं, बल्कि फेसबुक के पास सिर्फ आपकी फोटोज ही नहीं, आपका नाम भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स और बहुत सारी चीजें हैं। तो फेसबुक ज्यादा अच्छे से आपका प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, इनफैक्ट फेसबुक आपकी फेशियल रिकॉग्निशन में भी आपकी फोटोज का इस्तेमाल करता है, अगर आपने प्राइवेसी और सेटिंग्स में जाके उसको ऑफ नहीं कर रखा है तो। और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़कर देखेंगे तो वो बहुत सिमिलर सी मिलेगी आपको। दूसरा कंपैरिजन मैं हमारी सरकार से करना चाहूंगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारी सरकार ने आपके ड्राइविंग लाइसेंस डेटा को लेकर बेचा है प्राइवेट कंपनीज को? पिछले हफ्ते की खबर है ये, 15 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस के रिकॉर्ड्स सरकार ने 65 करोड़ रुपीज में बेचे 119 ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनमें से 32 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी और 87 प्राइवेट कंपनीज थी। यानी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को बेच डाला आपसे बिना पूछे। ये इससे कहीं बड़ी चीज है जो ये ऐप कर रही है। ये ऐप तो फिर भी आपसे परमिशन मांगती है, आपकी सरकार ने परमिशन मांगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस डेटा को बेचने से पहले? नहीं मांगी। यहां पर हमारी सरकार दोस्तों हमारे डेटा को एज अ पब्लिक गुड यूज करती है। इन्होंने खुद कह रखा है कि सरकार का यह प्लान है कि डेटा को एज अ पब्लिक गुड यूज किया जाए। 28 अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, जिसमें इंक्लूडेड है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, इंजन नंबर, मॉडल नेम, गाड़ी का कलर, डीलर का नाम, गाड़ी की हॉर्स पावर, फाइनेंसर का नाम, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, इंश्योरेंस वैलिडिटी, टैक्स पेड वैलिडिटी। हालांकि इसमें आपका नाम इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज अब ये है कि अगर आपके पास हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप इस्तेमाल करके मिनिस्ट्री के पास रिकॉर्ड्स में चेक करके आप एक इंसान का नाम भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कंसर्न रहना अच्छी चीज है, क्रिटिकली सोचना अच्छी चीज है, किसी भी चीज को एक स्केप्टिकल तरीके से देखना, मतलब अगर आप कोई भी चीज देखते हो जैसे फेस ऐप को यूज कर रहे हो, तो थोड़ा स्केप्टिकल रहो उसके बारे में कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है, तभी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे पहचान पाओगे। तो यहां पर जो फेस ऐप की कॉन्ट्रोवर्सी है, ये एक तरह से अच्छी चीज है कि हम इतने स्केप्टिकल हैं एक नई ऐप को यूज करने में। ऐसे होंगे तभी इन ऐप्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तभी और बेहतर कर पाएंगी, हमारी प्राइवेसी को सिक्योर रख पाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारे पेट्रियंस का जो मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करते हैं, जिनकी मदद की वजह से मैं ऐसे वीडियोज बना पाता हूँ। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।